अस्सलामुअलैकुम। विंटर वेकेशन पे अगर आप कुछ स्पेशल बनाकर बच्चों को सरप्राइज करना चाहती हैं, तो चॉकलेट केक बेस्ट ऑप्शन है। चॉकलेट केक ज्यादातर लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। इसके लिए वो किसी खास दिन का इंतजार करना भी पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पे आसान तरीके से कम मेहनत में मिनटों में तैयार चॉकलेट केक की रेसिपी। और इस केक को मैंने बहुत ही इजी प्रोसेस से बनाया है। ना ही मैंने अंडा यूज किया है, ना दही, ना बटर, ना कंडेंस मिल्क, ना अवन और ना ही कढ़ाई या कुकर। मुंह में पानी ला देगा यह चॉकलेट केक इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, बेकरी से लाना भूल जाएंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज में हमें केक को बेक करनी है उसे प्रीहीट कर लेंगे। मैं इसे पतीले में बेक करूंगी। इस तरह का पतीला अमूमन सभी के घर पे होता है। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। यह नमक कई बार यूज किया हुआ है, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। इस तरह का रिंग अगर आपके पास ना हो तो आप स्टील की कटोरी रख दीजिएगा। और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और अब केक का बैटर बनाने से पहले केक टिन तैयार कर लेंगे। इसके अंदर घी या फिर थोड़ा सा ऑयल डालकर ब्रश की मदद से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। फिर इसके अंदर बटर पेपर डाल देंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो मैदा डस्ट कर लीजिएगा चारों तरफ अच्छी तरह। तो केक टिन भी हमारा तैयार है, इसे हम साइड पे रखेंगे। बटर मिल्क तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप दूध लिया है। और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसे भी साइड पे रखेंगे। अब केक का बैटर बनाने के लिए जो मैंने बटर मिल्क बनाकर रखा था उसे बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। और साथ में ऐड करेंगे 1 कप से थोड़ा कम 3/4 कप पीसी हुई शक्कर और 1/4 कप ऑयल। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि ये सारी चीजें अच्छी तरह स्मूथ नहीं हो जाती। तो यह देखिए सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब बाउल के ऊपर छलनी रखेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 कप यानी कि 120 ग्राम और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, जिसकी वीडियो मेरे से मिस हो गई है। आप किसी भी कप या कटोरी को मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिएगा। परफेक्ट केक बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसका मेजरमेंट। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। अब इन्हें हम छान लेंगे। अब इन सारी की सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इनके साथ मिक्स कर लेंगे। इनका स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। यह देखिए यह थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून दूध और इन्हें अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बनकर तैयार हो गया एकदम लम्स फ्री स्मूथ बैटर। अब मैं केक टिन में सारे बैटर को ट्रांसफर कर लूंगी। आप इसे डायरेक्टली फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। फ्राई पैन पर चॉकलेट केक की रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा। इस तरह 2-4 बार इसे टैप कर लें। इससे क्या होगा कि इसके अंदर का एयर बबल बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसे बेक करूंगी। तो यह देखिए हमारा देसी ओवन तैयार है। केक टिन इसके अंदर रख देंगे, कवर कर देंगे और 35-40 मिनट लो फ्लेम पर केक को बेक कर लेना है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए पहले प्रीहीट कर लीजिएगा, फिर इसे 30-35 मिनट बेक कर लीजिएगा। करीब 35 मिनट हो चुके हैं, इसे खोलकर चेक कर लेंगे। केक बहुत ही बढ़िया फूल चुका है। इसे नाइफ या उडन स्टिक से इस तरह चेक करें। यह देखिए एकदम क्लीन बाहर आई है हमारी स्टिक, एकदम परफेक्टली केक बेक हो चुका है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इस तरह किसी कपड़े से इसे कवर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि केक के ऊपर की लेयर सूखेगी नहीं, मॉइस्चर बना रहेगा। तो केक थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, हल्का सा टैप कर देंगे। यह देखिए इसके ऊपर जो बटर पेपर है इसे भी हटा देंगे। और यह देखिए कितना परफेक्टली बेक्ड हुआ है और साथ ही कितना स्पॉन्जी, आप देख सकते हैं। और अब इसके लिए फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 कप डार्क चॉकलेट लिया है। इसे पैन में डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून दूध। मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे।
तो ये देखिए चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। और अब एक दूसरे बाउल में एकदम चिल्ड एक कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। व्हिपिंग क्रीम को तब तक बीट करें जब तक स्टिफ पिक ना बन जाए। और इस क्रीम में ऑलरेडी शुगर है इसलिए मैंने शुगर ऐड नहीं की है। अगर आपकी क्रीम में शुगर नहीं है तो आप 1/4 कप पीसी हुई शक्कर ऐड कर लीजिएगा। तो यह देखिए इसके स्टिप पिक बनने तक मैंने इसे अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब इसे हटा देंगे और इसमें ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट जिसे मैंने मेल्ट करके रखा था, और इसे मिक्स कर लेंगे। सारा चॉकलेट एक ही बार मिक्स नहीं करेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। यह बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जैसे ही आप ये मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे ये व्हिप क्रीम में तो इसे फटाफट मिक्स कर देना है, अदरवाइज जैसे ही मेल्ट चॉकलेट ठंडी क्रीम में थोड़ी देर भी पड़ी रहेगी तो यह तुरंत स्टिफ होना शुरू हो जाएगी, शेप लेना शुरू कर देगी। जल्दी से इसे मिक्स करें। तो ये हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनकर तैयार हो गई है। केक भी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। केक को सेंटर से काटकर इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसके ऊपर क्रीम लगाने से पहले इसे टर्न टेबल पर ट्रांसफर कर लेंगे। अब केक की पहली लेयर में शुगर सिरप डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सिंपली 2 बड़े चम्मच शक्कर को 1/2 कप पानी में घोल लिया था और ये शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर चॉकलेट क्रीम लगा देंगे जिसे मैंने बनाकर रखा है। स्पैचुला की हेल्प से इसे लेवल कर देंगे। फिर दूसरी लेयर इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसके ऊपर भी शुगर सिरप डाल देंगे। और अब इसके टॉप पर भी क्रीम फैला देंगे। मैंने इसके चारों तरफ क्रीम लगा लिया है। मैंने बहुत सारी केक की रेसिपी आपको पहले भी शेयर की है, आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने केक बनाया है, आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। इस केक को बनाने में ना ही मैंने अंडा यूज किया है, ना ही दही, ना बटर, ना कंडेंस मिल्क, ना अवन और ना ही कढ़ाई या कुकर में बनाया है। सिंपल इसे पतीले में बेक किया है। आप इसे अपने हिसाब से किसी भी तरह की डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने तो सिंपल इसे चॉकलेट स्प्रिंकल और चोको चिप्स और थोड़े से गोल्डन बॉल से इसे डेकोरेट किया है। तो यह लीजिए बहुत ही टेस्टी बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक बनकर तैयार है। मैं इसे काट कर आपको दिखाती हूँ। तो यह देखिए सॉफ्ट और स्पंजी सुपर टेस्टी चॉकलेट केक हमारी बनकर तैयार है। तो आप इस केक की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।